नमस्कार, आकिब सीवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग तरियानी छपरा से आपको तस्वीरें दिखाने पहुंचे हैं। कल रात्रि के समय आपने एक बांध टूटने की दूसरी जो सूचना मिली थी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस समय हमारे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, यही वो तरियानी छपरा का जो बांध है जो टूटने के वजह से सैकड़ों परिवार का सियाना बर्बाद हो चुका है। इस समय हमारे सामने की तस्वीरें आप देख लीजिए कि जहां तक हमारी कैमरे की नजर जा रही है वहां तक की तस्वीरें हम आपको कैद करके दिखा रहे हैं। जो लोग हैं जो यहां पर बाढ़ को लेकर जो डरे सहमे हुए हैं और लोगों को कहीं ना कहीं एक डर सताने लगा है कि इस बाढ़ के पानी से हमारा क्या होगा। इस बाढ़ के पानी से सैकड़ों परिवारों का घर बर्बाद हो चुका है। लोग अपने छतों पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पानी का जो बहाव है, पानी का बहाव अभी कम है, मगर कल जो है वो जो शाम को काफी तेज बहाव था और अभी जो है बहाव कम है, मगर तस्वीरें आप देख लीजिए कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है तमाम लोगों के घर तक ये बाढ़ का पानी फैल चुका है और लोग कहीं ना कहीं डरे हुए। एनडीआरएफ टीम के द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों के घर तक पहुंचकर जो लोग अपने छतों पर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको खाना पहुंचाना है, वो तमाम जो जरूरियात सामान है या किसी को इस पार से उस पार कराना है वो तमाम एनडीआरएफ टीम के जवान यहाँ पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो स्थानीय यहां के ग्रामीण है जो इस पार से उस पार जाना चाहते हैं, देख लीजिए पानी का जो बहाव है अभी कम है मगर बीच की जो दूरी है लोग उस पार जाना चाहते हैं उसको इस पार से उस पार लेके जाया जा रहा। देख सकते हैं कि एनडीआरएफ टीम के द्वारा जो है जो लोगों को इस पार से उस पार बोट के सहारे लेके जाया जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ से हम बातचीत कर लेते हैं। यही कराने वाले हैं हम, यहाँ कहाँ कराने वाले हैं? हम लोग सीतामढ़ी का है। सीतामढ़ी का, देखिए लोगों में एक उत्सुकता को भी लेकर बांध टूटने को लेकर जब भयावह माहौल यहाँ हुआ, जब लोगों तक ये खबर पहुंची, लोग काफी संख्या में लोग यहाँ पर इस तटबंध जो जब ये टूटा है उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ पर उमड़ रही है और मेन द्वार पर यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। लोगों को आने के लिए यहाँ पर सख्त मना कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि काफी अभी भी यहाँ पर खतरा जो है वो अभी टला नहीं है, लगातार यहाँ पर लोगों को आने से मना किया जा रहा है और देख लीजिए और एनडीआरएफ टीम के द्वारा लगातार लोगों का जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। पहले तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि लोगों की तस्वीर आप देख सकते हैं, जो लोग छतों पर है वहां से गुहार लगा रहे हैं और यहाँ जो है वो रिसाव की सूचना मिल रही है, मगर सवाल खड़ा ये यहाँ ये भी होता है कि आखिर तटबंध का मरम्मत कैसे होता है कि ये बाद में ये सूचना मिलती है कि उसमें रिसाव हो रहा है। ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं कि आखिर बाढ़ से पहले जाता है कि जितने भी तटबंध है उनके मरम्मती के लिए कही जाती है, मगर उसके बाद जब बाढ़ आता है तो देखने को यह मिलता है कि जगह जगह बांध में रिसाव की यह सूचना मिलती है। यह तमाम चीजें हैं जो अब निकल रही है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भी लोग पहुंच रहे हैं इनके द्वारा कहा जा रहा है कि लोग जो लोग देखने भी आए हैं आप देखकर यहां से अन्यथा हट जाए, सावधानी बरतने के लिए लोगों को खास करके कहा जा रहा है। मगर एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो खास करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख लीजिए कि तरियानी छपरा में लोग कैसे इस समय यहाँ जी रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगातार लोगों के घरों तक ये पानी का बहाव जहां तक फैल रहा है वहां तक लोगों के घरों तक आंगन तक ये पानी फैल चुका है और पानी फैलने के बाद लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। लोग इसलिए डरे सहमे हुए हैं, लोगों का कहना है कि क्या बारिश जो अभी भी आप देख सकते हैं, आसमानों की भी तस्वीर देख लीजिए, लगातार जो है वो बादल लगा हुआ है, कहीं ना कहीं बारिश जो अभी भी है वो बूंदाबांदी हो रही है, तो बारिश के बाद क्या बागमती का जलस्तर फिर बढ़ेगा, ये तमाम सवाल जो है वो अब बनने लगे हैं। इस समय तरियानी छपरा में हम मौजूद है और लगातार भयावह स्थिति है, लोगों की दुकानों में भी बागमती का जो जलस्तर है वो अंदर जा गया है और रोड की स्थिति काफी यहाँ दयनीय हो चुकी है। ये तमाम सवालात अब निकलने लगे हैं, यहाँ के लोग काफी बाढ़ को लेकर जिनके घरों तक बाढ़ का पानी पहुंचा है, आप देख लीजिए तस्वीर के माध्यम से कि किस तरीके से लोग हैं जो यहाँ पर जो पल्ली बट रहा है, लोग लाइन में लेकर जो लोग पल्ली ले रहे हैं और बाढ़ इनके घरों तक पानी पहुंचा है, लोग काफी परेशान है बाढ़ को लेकर, लोग यहाँ पर पल्ली लेने के लिए जो लोग पहुंचे और किस तरीके से लोग लाइन में लगे हुए हैं, काहे लाइन में लगे हुए हैं? वही पन्नी को लेने के लिए घुसा है पानी। हाँ घुसा है। आपका क्या नाम हुआ? महेंद्र दास। काहे के लिए लाइन में लगे हुए? पानी घुसा है घर में पल्ली के लिए। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें क्या तरियानी छपरा से निकल रही है, भयावह तस्वीर इस समय निकल रही है कि लोग काफी परेशान है,
परेशान इसलिए है कि कल जो रात्रि को जो तटबंध जो टूटा उसके बाद तरियानी छपरा के लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ लाइन में लगकर पल्ली ले रहे हैं। पल्ली लेने के लिए लोगों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटा है और लोगों के घरों तक बाढ़ का पानी डूब गया और लोग काफी अपना एक आश्रय स्थल खोज रहे हैं, इसी के लिए पल्ली लेना चाहते हैं। और तमाम तस्वीरें इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है और लोग किस तरीके से काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों के घरों तक बाढ़ का पानी फैल चुका है, लोग काफी परेशान है क्योंकि अभी भी जो है वो मौसम की स्थिति आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की जो बारिश है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। क्या नाम हुआ चाचा जी? बिंदेसर महतो। क्या घर हुआ? छपरा। छपरा तरेन छपरा जी। घर तक पहुंचा है पानी? जी जी जा, देख लीजिए भैंसी देख लीजिए बकरी देख लीजिए बांध पर। खाना उना मिला? ना खाना मास का नहीं मिला। खाना मास का ना मिला। कहाँ रह रहे हैं? बांध पर। आप देख सकते हैं कि क्या लोगों का कहना है कि लोग अपना बांध पर रह के गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें अब ऐसी निकल रही है कि लोगों का कहना है कि हम पल्ली ले रहे हैं अपने सहारा के लिए और अपना जो गुजर बसर है वो बांध पर कर रहे हैं। हमारा इस समय आशियाना बर्बाद हो चुका है और किसी न किसी तरीके से हम अपना बांध पर सामान रखकर गुजारा कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम और बातचीत कर लेते हैं क्योंकि लंबी कतार इतनी ज्यादा है लोगों का, क्योंकि जो लोग जितने सारे लोग आपको दिख रहे हैं ये बाढ़ क्षतिग्रस्त लोग हैं, इनके घरों तक बाढ़ का पानी पहुंचा है और बाढ़ का पानी पहुंचने के बाद इनका आशियाना बर्बाद हो चुका है, इनका घर बर्बाद हो चुका है और ये लोग का आशियाना सिर्फ और सिर्फ बांध बचा है। बांध के बाद आप देख सकते हैं ये तस्वीर में घर जाके जैसे की देखिए तब पानी बांटिए माल हम छत पर रखे हैं। देवेंद्र पासवान नाम है, छत पर माल चढ़ाए हैं अभी। अब आले बच्चे जैसे कि सब कोई छत पर है दूसरे के, अपना नहीं है, मराई गिर गया हुआ है सब। खाना उना कहाँ बना रहे? खाना अपना के ना हूँ तो खिचड़ी उचड़ी बना के गोलती उलती बना के खाए हैं, जैसे कि खाना कहाँ मिलेगा। तो इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा और आगे आना चाहेंगे क्योंकि इसमें इतनी लंबी कतार आप जब आप देखेंगे एक लंबी कतार ये राशन की दुकान जैसी ये कतार देखने को मिले क्योंकि लोगों का इस समय आशियाना बर्बाद हो चुका है और लोग पल्ली लेने के लिए आप देख लीजिए इधर थोड़ी सी घरों की भी तस्वीर हम आपको दिखा दें। थोड़ा सा आगे आ रहे हैं और देख लीजिए कितना मजबूत घर था यहाँ पर और देख लीजिए एक बच्चा कैसे बैठा हुआ है अपने आशियाना के ऊपर, अपने घर के ऊपर कैसे बैठा हुआ क्योंकि इनके घरों तक बाढ़ का जो पानी है वो पहुंच चुका है और किस स्थिति में जो छोटे बच्चे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने घरों के ऊपर अपने छतों पर इस समय बैठे हुए हैं। और खास करके यहां से भी आप देख सकते हैं तस्वीरें जो तटबंध जो बांध की जो तस्वीरें हैं, जो बांध जो टूटा है उसकी भी तस्वीरें थोड़ी सी जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम चीजें अब कुल है, ये बातें अब निकलने लगी है। तरियानी छपरा की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग राशन लेने जैसे यहां पर पल्ली के लिए लोग यहां पर लाइन में लगे हुए हैं, लोगों के घरों तक बाढ़ का पानी फैल चुका है। क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर मुखिया। बाढ़ का पानी गया है घर तक? हाँ पूरा बारह। कहाँ रह रहे हैं? तीन वार्ड में। तीन वार्ड में नीचे रह रहे हैं? छत पर रह रहे हैं? नीचे रह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक। बताइए मुश्ताक जी जी क्या बात है? बात यह है कि हम लोग का क्षति बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है ना? और अभी देख रहे हैं कि लाइन में हम लोग लगे हुए हैं और ज्यादा पानी तो अभी समझिए कि जो हमारा घर है उसमें पानी अभी कम ही नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा हमें मेरे ही घर जो है वो पानी का ज्यादा रेला मार रहा है अभी तक। आप देख सकते हैं कि लोगों का क्या कहना है कि लोगों का कहना है कि हमारा आशियाना बर्बाद हो चुका है और खास करके जो सबसे पहले जो बाढ़ क्षतिग्रस्त वाले परिवार है उनको सबसे पहले दिया जाए पल्ली, मगर ये तमाम चीजें इस समय निकल रही है। पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहां तक जो लाइन लगा हुआ है ये लाइन जो है वो पल्ली के लिए लगा हुआ। जी सर हम 4 नंबर वार्ड से है। हम लोगों का इधर पानी पूरा भरा हुआ है घर, हम लोगों का फूस का घर है, वहाँ कोई देखभाल नहीं है, नहीं कोई प्रशासन गई, नहीं यहाँ के मुखिया गए, कोई भी हम लोगों का देखने वाला नहीं है सर। हार कर यहाँ आए हैं, लाइन में लगे हैं, तो उन पर कुछ ध्यान दिलाइए सर। कल भी नहीं आज आए हैं तो आज तो कम से कम 4 नंबर वार्ड पर चल कर देखिए सर जो क्या हालत है उनकी। हाई स्कूल में है, जो यहाँ का हाई स्कूल है उसमें हम अपने परिवार को लेकर रखे हैं, जो भी परिवार है 4 नंबर पूरे वार्ड का बहुत बुरे हालत है सर। ठीक है आपकी बात हम समझ सकते हैं। तो इसी काहे के लिए अगर हमारे साफे गिर गए पानी में तो हम चौक पर थे साफे हम पानी सब खत्म। खाना उना मिलल? हाँ तो सर आदमी खिया देलक। जिला प्रशासन के तरफ से खाना के गेल व्यवस्था? ना मिलल ना मिलल ना मिलल ना
ना मिला कब। आपको खाना उना मिला है? हाँ खाना मिला है। आपको बाबू मिला है? आपको मिला है? आपको खाना उना नहीं मिला जी, दूसरा आदमी दिया है खाना। आप देख सकते हैं कि महिलाओं का क्या कहना है, महिलाओं का कहना है कि खासकर हम दूसरा कोई हमको खाना दिया है मगर जिला प्रशासन का जो खाना है अभी तक हमको नहीं मिला है। आपको खाना मिला है? नहीं मिला। क्या तस्वीरें हैं, महिलाएं क्या कर रही है, देखिए महिलाओं की जो तस्वीर है वो इस समय आप देख सकते हैं। दोनों तरफ महिला पुरुष का यहाँ पर पल्ली लेने के लिए भीड़ दिखा जा रहा है। भीड़ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तरियानी छपरा में इस समय भीड़ देखने को मिल रही है। लोग पल्ली के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और नजर में जहाँ तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहाँ तक की तस्वीरें हम कैद कर रहे हैं और कैसे लोग जो है यहाँ पर परेशान होकर खड़े हुए हैं। लोगों के घरों तक जो है वो बाढ़ का जो पानी है वो फैला हुआ है। खास करके लोगों की जो तस्वीर है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान होकर खड़े हुए हैं।